तो आ गए आप, कैसे हो भाई साहब? लावा ने लॉन्च किया है Z4, और जो केवल गिवे के लिए, उनको बता दूं कि आपके लिए मेरे पास 3 Z4 हैं, तो जुड़े रहें, चिपके रहें, चिपटे रहें। लावा इंडियन कंपनी, अभी इन्होंने माई Z और Z अब भी लॉन्च किया है साथ में। इवन कुछ समय पहले इन्होंने Z6 लॉन्च किया था, 10,000 के नीचे 6GB रैम दे दी इन्होंने। तो इवन इन्होंने Z2 लॉन्च किया जो कि लैग फ्री फोन था, स्टॉक एंड्रॉइड, और इन्होंने Z1 में तो कमाल कर दिया, बजट में क्रिस्प और क्लियर ऑडियो थी, हाई परफॉर्मेंस वाला फोन था, हीलियो G35 इन्होंने दिया, और एकमात्र बजट सेगमेंट में एक ऐसा फोन था जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तो थी, साथ में ड्यूरेबिलिटी के लिए इसमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड था। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड मतलब कि किसी भी इक्विपमेंट के लिए 29 टेस्ट होते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, जैसे शॉक, हीट, कोल्ड, गिराना, इस तरह। इससे अगर कोई फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, समझो बहुत ही ड्यूरेबल है। तो लावा ने बजट में ये दे दिया, बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। एक कमाल की बात बताने के लिए मैं आया हूँ, एक कमाल की बात इतनी कमाल लगी कि मैं नहा के आया हूँ, दोबारा से लग नहीं रहा नहाया सा, बट नहाया हूँ। भैया इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया माई Z मतलब है कि आप फोन को कस्टमाइज करा सकते हो, अपने हिसाब से उसमें चीजें डलवा सकते हो। इट्स लाइक ऐसे जब आपको फोन मिलता है उसमें अपने आप रैम दे दी, भैया 2GB रैम लोगे तो हम 2 ही देंगे ना, ये आपको Z में अपने हिसाब से, भाई इसमें इतनी रैम डाल दो, इसमें इतनी रोम डाल दो, कैमरे में ये सब कर दो, भाई अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करा सकते हो। भाई फोन नहीं हो गया साला, चाट पकौड़ी हो गई, भैया शॉर्ट इतनी मत डालियो, इसमें दही डाल दियो, इसमें हरी चटनी, वाह। और साथ में Z अब भी है, मतलब आपके पास पहले से कोई फोन है, आपने Z6 ले लिया, Z4, Z2 ले लिया, तो उसमें भी आप बढ़वा सकते हो कि यार देखो मेरे में कम है, इसमें रैम बढ़ा दो, इसमें रोम बढ़ा दो, ये भी कर रहे हैं, जिसे Z अब कहते हैं, अब मतलब अपग्रेड। ये एक अलग तरह का डिफरेंट इन्होंने शुरू किया, मुझे बहुत पसंद आया, मैं हथ फिसल की जमान लेकिन हथ प्रभ रह गया, इतना भारी वर्ड लिखना जरूरी था, अलग जीप मुड़गी। सबसे पहले करते हैं इसका डब्बा खोल। आप डब्बे में देखें, सबसे पहले मिलेगा आपको 10W का चार्जर, काले रंग का, बहुत बढ़िया। आपको टाइप सी डाटा केबल मिलेगी, टाइप सी को देख के दिल थोड़ा गुदगुद भी हो गया है। साथ में आपको ये TPU का मरा सा कवर मिलेगा जो कि एकदम पारदर्शी है, सही है, साथ में दे देते हैं तो दुकान पे जाके लड़ना नहीं पड़ता। यहाँ पे मेरे हाथों में देखो ईयरफोन नहीं मिला है, ईयरफोन देता ही नहीं कोई आजकल। और साथ में आपको डब्बे में सिम इजेक्टर टूल भी मिलेगा, आप इससे सिम ट्रे निकालें, उसमें सिम लगाएं। अब आपको अपनी गर्लफ्रेंड के कान के झुमके से सिम ट्रे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हिंट दे दिया क्या मैंने इनको? और मेरा नाम लोगे तो आपको डब्बे में कंपनी फोन भी देगी Z4। नहीं लोगे मेरा नाम तब भी दे देगी, कंपनी बहुत ही दयालु है भाई। तो मेरे हाथ में आ चुका है Z4। यहाँ पर आप देखें इसका कलर नीला नीला, आसमानी आसमानी, फिरोजी, मुझे इसका नाम नहीं पता है। फोन बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का है, जैसे आप जेब में रख देते हैं, कोई भारी फोन होता है तो ऐसे जेब निकल जाती है, सॉरी पैंट निकल जाती है, तो ये ऐसे नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। कंपनी ने आपको इसमें बड़ी डिस्प्ले दी है, 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले। यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले देखूं तो रंग बहुत बढ़िया आ रहे हैं, डिस्प्ले ब्राइट भी है। साथ में कंपनी ने एक बढ़िया काम किया है, इसमें प्रोसेसर दिया है G35। G35 under 10K एक बढ़िया प्रोसेसर है, मतलब एक एवरेज यूजर के लिए, आप जो डेली काम करते हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, नॉर्मल कॉल्स, व्हाट्सएप वगैरह ये सब चलाते हैं, वीडियोज वगैरह देखते हैं, तो G35 आपको बहुत अच्छा महसूस करा देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कंपनी ने 5000mAh की बैटरी दी है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अंडर 10 के जो भी लोग फोन खरीदते हैं तो उनको चाहिए कि भाई ज़्यादा तो दिक्कतें हैं नहीं, अंडर 10 के जो भी लोग फोन खरीदते हैं वो चाहते हैं कि हमारी बैटरी सही चल जाए, वो सब चीज़ थोड़ा 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 करते हैं, ऐसे में उन्हें बड़ी बैटरी चाहिए। दिन में फोन को 2 बार चार्ज करना पड़े, नॉर्मली जो 3500mAh की बैटरी होती है, 4000 की भी होती है, अगर 2 बार फोन को चार्ज करना पड़ जाए तो आदमी का फोन शाम तक डेड हो जाता है। 5000mAh की बैटरी देने का मतलब है कि भाई चल जाएगा, 1-1.5-2 दिन भी चल जाएगा एवरेज यूजर्स के लिए। और साथ में 10W का फास्ट चार्जर भी दिया है, टाइप सी बहुत बढ़िया दे दिया, क्योंकि अंडर 10 के ज्यादातर कंपनियां ऐसे कुछ कर देती हैं टुच्चापना कि भाई वो माइक्रो USB देती है, इन्होंने टाइप सी दे के बहुत अच्छा काम किया है। कंपनी इसमें ट्रिपल रियर कैम दिया है AI 13+5+2 MP, और इसमें बहुत सारे मोड्स आपको मिलेंगे। तो भैया यहाँ पर है ये रियर कैम जिसमें फोटो है, बुके इफेक्ट है, वीडियो तो है ही, ब्यूटी मोड है, नाइट मोड है, रात में भी आप फोटो खींच सकते हो। अगर यहाँ के सेटिंग्स में कुछ चीज़ें दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर एक एंटी शेक का ऑप्शन दिया है, मतलब कि
आप फोटो वगैरह खींचते हो या वीडियो बनाते हो तो शायद वो कम शेक होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर बात करें इसके फ्रंट कैम की, तो फ्रंट कैम में भी आपको वीडियो है, पोर्ट्रेट है, फोटो है। और यहाँ पर इसके सेटिंग्स में मैं आप जाऊँ तो सेटिंग्स में भी आपको एंटी शेक दिया है। एंटी शेक मतलब यदि आप किसी की पिक वगैरह लेते हो और आपका हाथ हिल जाता है तो ये हिलने नहीं देगा शायद। यहाँ पर रियर कैम के कैमरा सैंपल्स आपके स्क्रीन पे हैं, अपने विचार बताएं कैसे हैं। कंपनी ने विशेष काम किया इसके सेल्फी कैमरे पर, जो कि 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा है। अगर आप यहाँ पे इसके सेल्फी कैमरे को देखें तो ओहो, यहाँ पर कैमरा सैंपल्स भी आपके सामने। बताइए मैं कैसा लग रहा हूं। अंडर 10K यानी एक एवरेज यूजर से यूज करेंगे उसको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो खुश हो जाता है। तो कंपनी ने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देकर एक अच्छा कदम उठाया है, आई एम हैप्पी। बाकी इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दिया है। इसमें 4GB रैम है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगाकर उसे 256GB तक बढ़ा सकते हैं। डुअल सिम है, दो सिम लगा सकते हैं। आजकल तो दो सिम वाले फोन आ रहे हैं और दो सिम की आवश्यकता पड़ती भी है लोगों को। बाकी इसमें बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। बहुत कम कंपनियां हैं जो 10K के नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दें, बचती हैं। लेकिन चलो, फिंगरप्रिंट स्कैनर ने दिया है जो कि बहुत मस्त करके काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से खुल जाता है। बाकी थोपड़े ओपड़े से तो आप इसको खोल ही सकते हो। बाकी चुटर मुटर खटर पटर इसमें सारे सेंसर दिए हैं। इसमें आपको एक कॉर्नर में स्पीकर दिया है, क्योंकि लोगों को वीडियो गाने सुनना बहुत पसंद है, जिसकी आवाज अगर मैं इतनी दूर से भी सुनूं तो आवाज अच्छी आ रही है। अब बात करूं डिजाइन की, तो कंपनी ने यहाँ पे देखो डिजाइन अच्छा दिया है। फोन हैंडी है, हाथ में प्रॉपर आ जाता है, एक हाथ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बात करूं फोन की पकड़ की, तो 6.5 इंच की डिस्प्ले है, हाथ में प्रॉपर पकड़ में आता है, एक हाथ से आप इसको यूज कर सकते हो। और डिजाइन बैग में फिरोजी कलर काफी अच्छा लग रहा है। जब इसे हाथ में पकड़ के देखते हैं तो प्रॉपर हाथ में आ जाता है पूरा, एक हाथ से भी आप इसको यूज कर सकते हो। और बैग में डिजाइन देखें तो डिजाइन बहुत अच्छा दिया है, थोड़ा ऐसे उठा उठा ऐसे ये दिया है, तो आप देखें तो ये पकड़ में फिसलेगा नहीं। और प्लास्टिक का बैग दिया है, प्लास्टिक के बैग को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ ताकि फोन हल्का हो जाए। आप देखते हैं एल्यूमिनियम वगैरह का देते हैं तो भारी हो जाता है, अंडर 10K ठीक है, अच्छी बात है। तो भैया ये था Z4, और Z4 की कीमत है 8,999 रुपये। जितनी कीमत ली जा रही है उतना माल दिया जा रहा है। यदि कंपेयर करूं मैं पोके के C3 से, इसी कीमत में आता है, लेकिन ना तो उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, ना उसमें साथ में जो TPU कवर है वो दिया जाता है, इवन फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं है। और इवन अगर Redmi 9 के बारे में बात करूं तो वो इससे 300 रुपये महंगा है, 9,299 का है, उसमें भी कवर नहीं है, इवन उसमें भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन 300 रुपये एक्स्ट्रा लेके दे रहे हैं। देखा जाए तो ये कम कीमत में आपको उनकी तुलना में ज्यादा स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। यदि आप चाइना वाइना के फोन नहीं लेना चाहते तो लावा एक इंडियन ब्रांड है, आपको पैसे खर्च करके भी अपने देश में खुशी होगी, तो इसे 8,999 में आप कंसिडर कर सकते हो। और जो लोग आए गिवे के लिए उनको बता दूं कि आपके लिए मेरे पास है 3 Z4। बस आपको करना क्या है, एक प्यारा सा सुंदर सा आप कमेंट करो इसके बारे में, कैसा लगा फोन, क्या अच्छा लगा, और एक महीने बाद मैं रैंडम कमेंट पिकर से आपके नाम निकालूंगा और उन प्यारे प्यारे कुचुमुच सदस्य को Z4 दे दूंगा। आ जाना और ले जाना।